एक अल्कोहलिक फादर के जुड़वा बेटे होंगे। दोनों भाई सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस और सेम एनवायरनमेंट में बड़े हुए, लेकिन बड़ा होने के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। एक भाई बड़ा होके अपने फादर की तरह अल्कोहलिक और होमलेस था, और दूसरा भाई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना जिसने कभी अल्कोहल को टच भी नहीं किया। दोस्तों, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है और इसमें रिसर्चर्स ने दोनों भाइयों के पास अलग अलग जाके उनका इंटरव्यू लिया और पूछा, आज आप जिस मुकाम पे हो उसका रीजन क्या है। वो रिसर्चर्स समझना चाहते थे कि दोनों भाइयों एक ही घर में पैदा हुए, जेनेटिकली सेम, सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस, बट अलग अलग रिजल्ट्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों भाइयों ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सेम था। दोनों ने बोला, आज हम जो हैं हम अपने फादर की वजह से हैं। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ माई फादर। अल्कोहलिक भाई ने बोला, मैंने अपने घर में हमेशा अल्कोहल देखी, जहां देखता था वहां अल्कोहल की बॉटल, हमेशा लड़ाई, और मेरे लिए वही लाइफ की सच्चाई थी, इसलिए आज मैं जो भी हूं इस वजह से हूं। दूसरा भाई जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसने बोला कि मैंने बचपन में हर जगह सिर्फ अल्कोहल देखा और मैंने जिंदगी में प्रण लिया दैट मैं कभी अल्कोहल टच भी नहीं करूंगा और कभी ऐसा नहीं बनूंगा। दोनों भाई बड़े सेम सर्कमस्टांसेस, सेम सिचुएशन में हुए, बट एट द एंड जो उनको रिजल्ट मिला अपनी लाइफ में, वो रीजन था उनका माइंडसेट और उनकी सोच। सक्सेसफुल भाई का ग्रोथ माइंडसेट उसको उसकी कामयाबी की तरफ ले गया। सो फ्रेंड्स, इस पूरी स्टोरी का मॉरल ये है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस कंट्रोल और चूज नहीं करते, लेकिन हम डेफिनेटली ये चॉइस हर पल लेते हैं कि हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। हम या तो ये सोच सकते हैं कि यही हमारी सिचुएशन है, यही रियलिटी है, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना और मुझे एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनना है। और हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाती है, इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे माइंडसेट का, हमारी सोच का, जो कि बनता है हमारे बिलीफ सिस्टम से। और हमें हमारे माइंडसेट पर, बिलीव्स पर रेगुलर वर्क करने के लिए एक लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा, और जिसको हम लाइफ लॉन्ग लर्नर भी कहते हैं। अच्छी बुक्स सुनना या पढ़ना, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को ऑनलाइन देखना, रादर देन जस्ट एमलेस स्क्रॉलिंग करते हुए अपना टाइम वेस्ट करना, ये चॉइस हमारे पास है फ्रेंड्स एवरी मोमेंट। अगर आप भी उस सक्सेसफुल ब्रदर की तरह बनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कंटिन्यूअसली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चूज कर रहे हैं, अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। एंड एक बार अगर आपने वो टाइम ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो आई एम श्योर आपकी लाइफ की गाड़ी का स्टेयरिंग आपके हाथों में है, और वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ ही मुड़ेगा और कभी फेलियर नहीं देखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।